मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा टलने पर कांग्रेस ने बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का 13 अगस्त को होने वाला सागर का दौरा टल गया। खड़गे के कार्यक्रम से एक दिन पहले 12 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सागर के बड़तुमा में संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन करने का कार्यक्रम है। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह ने आरोप लगाया कि खड़गे का कार्यक्रम पहले से ही तय था और खड़गे के उस कार्यक्रम को प्रभावित करने के लिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अब तय कर दिया गया, जिससे दूसरे दिन खड़गे जी आए तो साधन विहीन सभा हो, यह घिनौना षड्यंत्र है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस दलित चिंतक होने का नाटक करती है। खड़गे जी का आना स्थगित क्यों हुआ? क्या वो संत रविदास के कार्यक्रम में शामिल होना नहीं चाहते? हम तो चाहते हैं कि वो आए और इस कार्यक्रम में शामिल हों, अगर उन्हें दलितों की चिंता है। तो कुल मिलाकर वार पलटवार हो रहा है खड़गे के दौरे को कैंसल होने के बाद। षड्यंत्र, भाजपा षड्यंत्र करने में माहिर है। भाजपा जब 13 तारीख का दौरा फिक्स हो गया मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, तो प्रधानमंत्री का दौरा 12 तारीख को रख लिया गया एक दिन पहले। आप खुद समझते हैं, हर साधन जो रैली में आवश्यक होता है वो सारा बिल्कुल इक्विपाइड हो जाएगा। तो हम तो आग्रह करते हैं खड़गे जी, आपको मध्य प्रदेश में संत रविदास जी के मंदिर निर्माण पर इतनी आपत्ति क्यों? आपत्ति इसलिए कि यदि आप उसके पक्ष में होते, समर्थन में होते, सबके संत रविदास के समर्थन में होते, तो आप जरूर आते, उस कार्यक्रम में आपकी भागीदारी करते। आपने आना रद्द कर दिया। आप राजनीति के लिए मध्य प्रदेश में आ सकते हो, पर संत रविदास मंदिर के लिए आने के लिए आप कहते हो कि भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा कार्यक्रम मनाया।